हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू स्क्वाड्स। और आज मैं आपको पूरी डिटेल में प्राइसिंग, सर्विस, मॉडल नंबर सब कुछ बताने वाला हूँ अबाउट मैक्स हब। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मुझे पता है कुछ लोग जो होते हैं जिन्होंने मन बना लिया कि भैया हमें मैक्सअप ही लेना है, वो मैक्सअप ही लेते हैं। चाहे मैं उन्हें कितना कन्विंस कर लूँ किसी और ब्रांड के लिए, और कोई और इन्फ्लुएंसर कन्विंस कर ले, वो नहीं जाता है। इसका भी अपना मज़ा है। आप देखो, खान सर यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स में लगा हुआ है। मतलब मैं नाम बताऊँगा तो थक जाऊँगा। जैसे हमने भी कई जगह पर इंस्टॉल किया, और हम तो गोल्ड पार्टनर मैक्सअप के है ही, एकदम प्राइम लेवल पर पार्टनर्स की लिस्ट में हम आते हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि चलो ठीक है यार, मैक्सअप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। बट हाँ, सबसे पहले हम लोगों को समझना है मैक्सअप में साइज़ कौन कौन सी आती है। तो देखो, तीन साइज़ आती है, 65, 86, 75। ये तीन साइज़ आती है मैक्सअप में। मज़े की बात बताऊँ आपको कि 105 इंच और 92 इंच भी आता है ना। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो मैक्सअप में दो टाइप से आते हैं, विद OPS और होता है विदाउट OPS। अब आपको मैक्सअप किससे लेना है? देखो, मैक्सअप एक ऐसा ब्रांड है, अच्छा ब्रांड तो हर जगह अवेलेबल है। मैक्सअप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे काम करता है, तो ये आपको हर जगह अवेलेबल होगा। तो आपको मैक्सअप किन लोगों से बचना है? तो सबसे पहले आपको उन लोगों से बचना है जिनके एक्सपीरियंस सेंटर में या जिनकी काउंसलिंग में सबसे पहले वो लोग किसी और ब्रांड को पुश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे, हम जैसे चैनल यूट्यूब बना, हम जैसे नहीं, हमको कॉपी करके यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले लोग बहुत सारे। अब वो लोग बेचते तो अपना ब्रांड है ना, पर मजबूरी में, क्योंकि हमने मैक्सअप, व्यूसोनिक, इवोटा, AIWAPT, अलग अलग ब्रांड को हम प्रमोट करते आते हैं। तो भाई साहब, ये इन्होंने क्या किया है कि 2-4-5 पैनल रख लिए मैक्सअप के, है ना, 1-2 रख लिया व्यूसोनिक का। अब जो लोग, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो लोग इनके फैन हो गए वो ये ब्रांड तो लेंगे ही नहीं, ऐसे अच्छा बच्चा पसंद नहीं उनको, तो वो लेंगे इनका ब्रांड। अब ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि इनको मैक्सअप की सर्विस देना ही नहीं है, एंड ऑफ द डे क्या बोल देंगे कि भैया मैक्सअप सर्विस ले लो। हालांकि डीलर का काम क्या होता है, मीडिएटर का काम क्या होता है, जैसे हमारी बात करूं तो अगर आप हमसे मैक्सअप का कोई भी पैनल लेते हैं, तो मैं तो ये खुल के बोलता हूं कि यार आपको गारंटी वारंटी के लिए मैक्सअप हेड ऑफिस पे नहीं जाना है, आपको एजू स्क्वाड पे कॉल करना है। एजू स्क्वाड देगा आपको सर्विस, हम आपकी हेल्प करेंगे हर चीज में, ट्रेनिंग से लेके इंस्टॉलेशन से लेके, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑल्सो मैं बात करूंगा, मेरी टीम बात करेगी मैक्सअप से, आपको परेशान नहीं होना है। बट ऐसे लोग जो 1-2 पैनल बेच रहे हैं, जो मजबूरी में बेच रहे हैं, ये लोग मजबूरी में बेच रहे हैं 100%। ये ना ओवर स्मार्ट टाइप के लोग हमेशा मजबूरी में ही बेचते हैं चीज़ें। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इनका खुद का प्रोडक्ट उस वैल्यू का है ही नहीं, ना उसकी ब्रांडिंग, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करा, यूट्यूबर्स को पैसे दिए, मार्केटिंग करी, बेचना शुरू कर दिया। पर बहुत से लोग अवेयरनेस भी है इस इंडस्ट्री, हम जैसे लोग जब तक है तब तक हम पूरी तरीके से अवेयरनेस फैलाएंगे। तो मैक्सअप ले लिया, अब ये क्या करते हैं, मैक्सअप की प्राइस को इतना गिरा देते हैं, और इसी कारण मैक्सअप जो अच्छा ब्रांड है शायद वो अपडेट नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि उन्होंने इतना प्राइस गिरा दिया। अच्छा, प्राइस गिराने में कोई गारंटी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनके ये कॉपी पेस्ट वाले प्रोडक्ट मैक्सअप से महंगे बेच रहे। तो 86 इंच का पैनल भैया बेच दिया 0 मार्जिन पे, मतलब 2-5 हज़ार रुपये के मार्जिन पे बेच दिया। अब सोच के देखो, जिस दिन रिप्लेसमेंट कराना है तो ये कुछ कितनी हेल्प कर पाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप महंगे में पैनल लो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम भी वो प्राइस दे देंगे यार, हम तो हर किसी से मैच कर सकते हैं। एजू स्क्वाड से प्यार ऑडियंस का है, मगर जो हमारे बिजनेस में लोग हैं ना, कोई भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप आकाश सावकर और एजू स्क्वाड नाम लोगे ना, तो वो आप हमको दो इनडायरेक्ट वे में हमको क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं टीचर्स का, क्रिएटर्स का, हमारे यूजर्स का, क्योंकि हमको पता है कि हम यही सोच रहे तो हमारा फायदा हो रहा है यार। एक ब्रांड जो अभी कुछ टाइम पहले एस्टेब्लिश हुआ, 1 साल के अंदर आज इंडिया के top 3 में है, तो कैसे हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों के प्यार से। तो हम आपको यही बताते हैं। तो ऐसे लोगों से, जो लोग मजबूरी में बेच रहे, 1-2 पैनल बेच रहे, उनसे आपको लेना नहीं चाहिए। बिलीव करिएगा, सच में बता रहा हूँ आपको। मैं तो ये बोलता हूँ, डिजिटल बोर्ड एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है कि ये इतना ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है, लोकल से लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट चल जाते हैं। मेरा कंसर्न ये है जब खराब होगा तब क्या। तो देखो, प्राइस रेंज तो कैसी है, जैसे आज के टाइम पे हम बात करें 75 इंच, 86 इंच और 65 इंच। 65 इंच में कम सजेस्ट करता हूँ, मैं क्यों कम सजेस्ट करता हूँ इसका भी एक रीज़न समझना। 65 इंच का जो प्राइस और 75 इंच का प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस रहा नहीं है। पहले टाइम था 1.5-1.5 लाख का डिफरेंस था, तो 60 लेना सही था, पर अब 75 इंच में अच्छा खासा ब्रांड मिल जाता है यार बॉस।
अब जैसे हम जब सेटअप लगाते हैं तो एजुस्कॉट सेटअप लगाते हैं तो क्या करता है, 4K PTZ कैमरा में AI ऑफ का सजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम मैक्सअप का पैनल ले लो या इवोटा का पैनल ले लो या हम व्यूसोनिक का पैनल सजेस्ट कर देते हैं, AI ऑफ का पैनल भी आया है वो भी हम सजेस्ट कर देते हैं, तो ये सब हम चीज़ सजेस्ट करते हैं। पर जिसको जो लेना है कस्टमर, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपीरियंस सेंटर में अपने ये ए प्रो बी प्रो अल्फा प्रो ऐसे प्रो याले प्रोडक्ट को नया रखा है और बेचारा मैक्सअप व्यूसोनिक को इतने पुराने 3-3 साल पुराने पैनल रखे हैं कि टीचर लिखता है अरे ये तो लैग कर रहा है, अरे वो सही है, ऐसा होता है। ये गेम करा जा रहा है अलग अलग जगह पे, तो इसलिए एक्सपीरियंस सेंटर पे जाने में भी सोचना पड़ेगा आपको, डिसीजन आपको अपना लेना है। तो 65 इंच और 75 इंच में डिफरेंस नहीं है, नहीं लेना चाहिए। तो लेना क्या चाहिए, तो 75 इंच लेना चाहिए। क्या प्राइस में मिलेगा आपको, तो विदाउट OPS की प्राइस, अगर मैं विद OPS की प्राइस बताऊँ तो आपको देखो आज के टाइम पे एक 80 का एक अच्छा प्राइस है। आपको देखना पड़ेगा आप किससे ले रहे हो, और बहुत लोग जो आपको कम करेंगे वो 175 तक भी शायद तक मिल जाता है, है ना। आप अगर मैं तो अच्छी प्राइस पे काम करता हूँ हम लोग, क्योंकि हमको भरोसा दिलाना है भाई कि कल को ख़राब होगा तो हम बैठे, चीज़ें होगा तो हम बैठे, सर्विस देना है, वहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन करना है, हम सिर्फ पैनल के इंस्टॉलेशन के अलावा बाकी सारी चीज़ों में भी ध्यान देते हैं, माइक सेटिंग में हेल्प करते हैं, लाइटिंग सेटअप में हेल्प करते हैं, सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो हमारा बंदा जाता है ना तो वो कॉस्ट वो लेके आता है, हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा अलग से लेते नहीं है। अब बात करें 86 इंच की, तो देखो 86 इंच आप ये मान के चलो कि विद OPS अगर आपको ये 175 से कम में दे रहा है तो 100% झोल करने वाली कंपनियां क्या करती है, OPS को बदल देती है। अगर मैक्सअप का OPS आता है 30,000 प्लस टैक्स में नॉर्मली आप लेने जाओ तो, और यहां पे क्या हो रहा है OPS किसी और कंपनी का लग जा रहा है या फिर ग्रे के मार्केट का OPS लग जा रहा है। हालांकि पैनल भी ग्रे आते हैं बहुत सारे, पर ग्रे मार्केट का पैनल OPS लग गया, कितना फर्क, 12-15 हज़ार रुपये फर्क तो ही बचा लिया। अब आपको 12-15 हज़ार का डिस्काउंट मिल गया। तो ये सब चीज़ें हो रही है, आपको देखना अथोराइज पार्टनर्स अथोराइज डीलर्स इन सब पे जाना है, चीज़ों को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग आपको मैंने बता दी, मॉडल आपको बता दिए। अब बहुत से लोगों को होगा कि भैया मैक्सअप का नया अपडेट आने वाला है, तो यार देखो अपडेट में आपको एक चीज़ समझना होगा, क्या होगा अपडेट, अपडेट होगा तो वर्जन एंड्रॉइड का वर्जन अपलोड होगा, तो एंड्रॉइड 13 आपके मोबाइल में आपको चेक करो कि जिसका पुराना एंड्रॉइड मोबाइल है उसने क्या अपना एंड्रॉइड का वर्जन हाथों हाथ अपडेट कर लिया और उससे कोई फर्क पड़ गया। बहुत ज़्यादा एंड्रॉइड वर्जन अपडेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली डिजिटल बोर्ड पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर हम इम्पॉर्टेंटली यूज़ करते हैं ये सॉफ्टवेयर जो मैक्सअप का अपना खुद का बनाया हुआ Note 3 सॉफ्टवेयर है। भाई साहब ये सॉफ्टवेयर मैक्सअप का बनाया हुआ है, इसकी कंपेटिबिलिटी 13 पे भी है 11 पर भी है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यही तो चलाना है। आप अगर सोच रहे हो पैनल में मल्टीपल एप्लीकेशन डाल दो, यार अच्छे से अच्छा पैनल, हेवी से हेवी कॉन्फ़िगरेशन का पैनल हैंग होना शुरू हो जाएगा, पैनल पे लिमिटेड वर्क ही किया जाता है, है ना। तो मैक्सअप में 13 आ जाए, अपडेटेड वर्जन आ जाए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको आज लेना है कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको आज लेना है तो नए मॉडल का वेट मत करिए, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से बचिए जो एक ही प्रोडक्ट को, एक ही पैनल को, ये सेम पैनल है, इसी का नाम दे दिया ए प्रो, इसी का नाम दे दिया मिन प्रो, इसी का नाम दे दिया मैक्स प्रो, अब जैसा कस्टमर आया वैसा तिलक किया, ये काम है। तो ऐसे लोग हमेशा आपको क्या करेंगे, ये मिन प्रो मैक्स प्रो वाले लोग हैं ना, अल्फा बीटा गामा वाले लोग, यही लोग मैक्सअप की प्राइस का डाउनफॉल करते हैं और सस्ते में देते हैं और सर्विस के नाम पे बिल्कुल जीरो। ये आपको आज नहीं जब खराब होगा तब पता चलेगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ हम तो बेचते ही ना मैक्सअप भी देते, आप हमसे मत लो, पर आप लो उन लोगों से लो जो एटलीस्ट एक अथोराइज डीलर हो। अथोराइज डीलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सअप की जो सेल का डाउन हुआ ना उसका रीज़न ये है कि सर्विस इतनी बेटर नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रॉब्लम आती है सर्विस में। ये मतलब ये मैक्सअप खुद जानता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ खुल के, भाई मेरा तो बेचना है उसको, और मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा या कोई अथोराइज डीलर इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में देगा, बहुत ही स्मार्ट वे में देगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे ही काम करते रहो, इस बात को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना स्टूडियो बना रहे हैं तो इस नंबर पर हमसे कॉल करिए, बेटर प्राइस बेटर प्रोडक्ट के साथ में आप हमें स्टूडियो बनाने के लिए इन्वाइट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।